मैम एंटीबायोटिक देख लीजिए, 3 घंटे हो गए तो रिपीट कराइए। ये पैरायोटिक ले लो भाई। दीक्षित जी ये लेना। डॉक्टर पारस ये क्या सर्जरी कर रहे हैं आप? सर ये एक कार्सिनोमा ओवरी का पेशेंट है जिसमें सर एडवांस डिजीज है। 10x12 सेंटीमीटर का ट्यूमर था सर, जो राइट ओवरी से अराइज हुआ लग रहा है। उसके अलावा सर पैरायोटिक लिम्फ नोड्स हैं सर, जिनको आप डिसेक्ट कर रहे हैं। पेल्विक डिसेक्शन हम कर चुके हैं सर लिम्फ नोड्स की। हिस्टोपैथोलॉजी के बाद अगर कंफर्म होता है कि ये एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर है तो पेशेंट को इसके बाद कीमो की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, बट होपफुली हम कार्सिनोमा ओवरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है सर कंप्लीट साइटोरिडक्शन। हम कोई भी ट्यूमर पीछे ना भेजें। टेक्निकल टर्म हम यूज़ करते हैं CC0, तो इसमें CC0 अचीव हो जाएगा सर। आई विल लीव नथिंग बिहाइंड। डॉक्टर मीनाक्षी ये पेशेंट क्या था, कैसे आया आपके पास यहाँ पे? ये पेशेंट हमारे पास पेन अब्डोमेन करके आया था, 6 मंथ की हिस्ट्री दे रहा था और इसे खुद ही एक स्वेलिंग नोटिस की थी। तो फिर हमने इसको इन्वेस्टिगेट करवाया, पहले पेशेंट को हमने देखा, इन्वेस्टिगेट करवाया, उसमें अल्ट्रासाउंड में आया कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैंसर हो सकता है। फिर उसके बाद इसके ट्यूमर मार्कर्स होते हैं वो सब करवाए, वो सब करवाने के बाद इसका MRI करवाया, फिर इसकी अपर GI एंडोस्कोपी भी करवाई, फिर हमने अंकुर इसको प्रिपेयर कर लिया सर्जरी के लिए, जिसके लिए हमने डॉक्टर पारस अंको सर्जन है उनको बुलाया और अभी हम ये सर्जरी कर रहे हैं। डॉक्टर शालू इसमें कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा आपका, आप असिस्ट करवा रहे हो उनको? सर लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सर ने तो हमें सारी एनाटमी बड़ी अच्छे से बताई, बहुत पेल्विक एनाटमी भी और लिम्फ नोड डाइसेक्शन। सर अभी एओर्टिक लिम्फ नोड डाइसेक्शन कर रहे हैं जो कि बहुत डेंजरस एरिया है, बट सर की सर्जरी बहुत क्लीन है, तो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। डॉक्टर पारस आप यू आर मेंशनिंग कि एक कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप जुड़े हुए हैं, यू आर कंसर्न्ड अबाउट दी वेलबींग ऑफ दी पेशेंट्स। सर हमारी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सर, आशना ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन। मैं और मेरी को सर्जन है डॉक्टर गुरप्रीत कौर, वो एक हेड एंड कैंसर सर्जन है, माइक्रोवास्कुलर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन है। सर हम लोगों ने ये संस्था इसलिए बनाई है कि हम अपने क्लिनिकल काम के अलावा एक तो अपनी सोसाइटी के साथ एंगेज कर सकें। जब तक हम अपनी OPDs में बैठ के पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज के साथ एंगेज करते रहेंगे तो कैंसर के साथ जूझने की वो अप्रोप्रिएट जगह मुझे नहीं लगती है। पब्लिक में जाके इसको डिस्कस करना, इसकी अवेयरनेस फैलाना, इसकी जो मिथ्स हैं कैंसर के अराउंड उनको डिस्ट्रॉय करना। देखो कठुआ मेडिकल कॉलेज को खुले हुए 3 साल हो गए हैं, पहले उसके पहले का तो पता नहीं है, लेकिन इस टाइप की सर्जरी जो हम करते आए थे, लेकिन इस लेवल की सर्जरी थी जहाँ से एक एक्सपर्ट बाहर से डिपार्टमेंट गायनी द्वारा बुलाया गया था और वो जो काफ़ी वो मेडिकल कॉलेज में जो हमने एज ए गेस्ट उनको इनवाइट किया एज ए डेमोंस्ट्रेशन और हमारे स्टाफ को ट्रेन करने के लिए भी, तो इस टाइप की सर्जरी जो है ये फर्स्ट टाइम हो रही है। मे बी ये 6-7 घंटे चलेगी सर्जरी और पेशेंट की कंडीशन देख के इसको बाद में जब सर्जरी ख़त्म होती है फिर हमने पूरा इसका इंतज़ाम रखा है कि पहले सबसे पहले मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं कि ये पेशेंट किस स्टेज में लैंड करेगा, कैसे करेगा। ICU तक का हमने इंतज़ाम रखा है, वेंटिलेटर का इंतज़ाम रखा हुआ, ब्लड पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ है। डॉक्टर साहब आपकी सारी टीम एनेस्थेटिस्ट, आप तीनों एनेस्थेटिस्ट हो, तो आपके एनेस्थीसिया के हिसाब से इस सर्जरी को करने में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और आपकी प्रिपेयरनेस कैसी है? देखो जैसे सर्जन चाहता है कंफर्टेबल, क्योंकि ये बहुत इंटेंस सर्जरी है जिसमें ऑलमोस्ट पूरा पेट खुल के पूरा सारा कुछ देखा है। पेशेंट का कंफर्ट, पेशेंट का तो एक बेहोशी में है उसको नहीं पता चला, लेकिन जो सर्जन कर रहा है हमें उस स्टेज को सर्जन को भी कंफर्टेबल करना है कि वो जिस लेवल तक जा सके वो सेफली उस लेवल तक अपनी सर्जरी कर सके विद इन द लिमिट्स, सारा वो अपना अपनी जो सर्जरी कंप्लीट करना चाहता है, जो चीज़ वो कैंसरस टिश्यू निकालना चाहता है, हमें वो सारी की सारी चीज़ें फैसिलिटेट करनी है पेशेंट को उस प्लेन में रख के। डॉक्टर कल्सूत्रा आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं एनेस्थीसिया
एनेस्थीसिया के डॉक्टर अंग्राल हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और डॉक्टर अंकार हैं सीनियर एनेस्थेटिस्ट। आप ये बताइए कि क्या हमारा जो जीएमसी कठुआ है अब ऐसी सर्जरीज को अंडरटेक करने के लिए फुली इक्विप्ड है? बिल्कुल, हम फुली इक्विप्ड हैं। कुछ कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम फुली इक्विप्ड तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे लिए इशू है जैसे इस पेशेंट को हमें हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिवली आईसीयू में डालना पड़े। आज की डेट में जो कठुआ मेडिकल कॉलेज में हम एक मेकशिफ्ट आईसीयू में काम कर रहे हैं, हमें आसान कोशिश में है कि हमें फुली इक्विप्ड आईसीयू कम से कम 8 से 10 बेड का आईसीयू बन जाए। और वो जो आईसीयू इक्विपमेंट और बिल्डिंग तो बने, लेकिन उसके साथ हमें एडिक्वेट पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, जो मैन पावर सारी की सारी जो हमें आईसीयू में चाहिए, इतने बड़ी सर्जरीज करने के लिए हमें इन स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर सोत्रा, अगर आप ऐसे इस अपनी ग्रोथ को देखें तो क्या आप आने वाले फ्यूचर में कुछ सालों में ऐसा सोच सकते हैं कि जो सर्जरीज ऐसी सर्जरीज एक्सटेंसिव सर्जरीज फ्यूचर में कठुआ मेडिकल कॉलेज के अंदर ही होंगी और पेशेंट्स को इन चीज़ों के लिए यहाँ से बाहर नहीं? बिल्कुल, अगर आज से 3 साल पहले और जो आज की स्टेज में हम देख रहे हैं, जब हम शुरू में 3 साल पहले आए थे और आज आए, हम ऑलमोस्ट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बराबर और उसी तरह की सर्जरी आज भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों की जैसे हमें ब्लड, पिछले दिनों हमें पहले ब्लड प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल थे, उसके लिए हमें पेशेंट रेफर करने पड़ते थे मेडिकल कॉलेज जम्मू में। अब वो हमारे पिछले चंद महीनों से वो मशीनें भी हमें आ गई हैं और पेशेंट हम रेफर नहीं करते हैं, हम उन हाई रिस्क पेशेंट्स को भी लेके सर्जरी करते हैं। डॉक्टर मधु, ये हमारे कठुआ में पहली सर्जरी है कैंसर के रिलेटेड, तो ये पेशेंट हमारे पास लगभग 15-20 दिन पहले आई थी, जब इनको काफ़ी बड़ा ट्यूमर था पेट में और साथ में काफ़ी तकलीफ में थी। तो इनको हमने इन्वेस्टिगेट किया, तो हमारे एचओडी की हेल्प से हमने एक ऑन्को सर्जन से बात करी और उनको हमने यहाँ पे बुलाया, तो उनकी हेल्प से अभी ये सर्जरी इस टाइम चल रही है। इट इज़ अ सक्सेसफुल सर्जरी है, तो पेशेंट भी ठीक ही है अभी इस टाइम पे। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी तकलीफ हो पेशेंट को, उसे जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए, क्योंकि कई बार जो पेशेंट है काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, जिनका फिर आगे जो ट्रीटमेंट है इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके लिए जैसे कॉमनली जो मुख्यतः जो हमारे सोसाइटी में है, सर्विक्स का कैंसर काफ़ी कॉमन है, तो इसके लिए हमारी ओपीडी में फ्री कैंसर स्क्रीनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जो हम काफ़ी वुमेन जो फीमेल पेशेंट्स आते हैं उनको इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो मेरी राय है कि उनको मतलब टाइम टाइम पे जैसे एडवाइस किया जाता है ये स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, और इसके अलावा कोई भी जो सिम्टम है उसको नज़रअंदाज ना करें। ये सर्जरी आज देखी डॉक्टर पारस ने जो सर्जरी की, एक्सटेंसिव सर्जरी होती है और सर्जिकली डिफिकल्ट टू परफॉर्म, तो आपका क्या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा इस पूरे जो सर्जरी थी उसमें? आज हम लोगों को भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, बिकॉज इट वाज वेरी एक्सटेंसिव सर्जरी, अभी भी चल रही है सिंस लास्ट 4 आवर्स। पूरी जो एनाटमी है फीमेल पेल्विक ऑर्गन्स की, एक्सटेंसिव सर्जरी में कौन कौन सा एरिया एक्सप्लोर करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है और कितना कॉशियस कहाँ पे रहना है, और लंबी सर्जरी में क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, वो सब कुछ आज हमने सीखा यहाँ पे। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस।